आज हम बात करने वाले कि ऐसी एक आप बीती की जो कहानी आपकी तो नहीं है लेकिन ये अपनी सी लगेगी। बात है, कहानी है एक ऐसे इंसान की जो हमारे साथ है, जिग्ना वोरा, जिनकी लाइफ जो है एक धाकड़ रिपोर्टर से कि सलाखों के पीछे जाना और एक जर्नी ऐसी जो जो कहानी बताने के लिए हंसल मेहता ने इनका साथ दिया, एक वेब सीरीज़ के माध्यम से लेकर आ रही है लीड किरदार में करिश्मा तन्ना। कॉन्ग्रेचुलेशन जो टीम है स्कूप के लिए, बहुत ही खास ये फिल्म नज़र आ रही है। एक टास्क जो कि सर जो भी बनाते हैं खास होता ही है, बट मैम आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि कि वो जर्नी हमने देखी है, बहुत कुछ सुना है उसके बारे में, फिल्म के माध्यम से वेब शो के माध्यम से आना आपके लिए कितना टफ डिसीजन था? कि बुक तो पहले ही आ चुकी थी। हाँ, डिसीजन टफ तो था, बट आई जब पता चला हंसल सर बना रहे हैं तो आई वॉज हैप्पी कि लोगों को सच्चाई पता चलेगी कि क्या है, क्या हुआ है, और इंस्पायर्ड है मेरी बुक से, तो ऑब्वियसली आई एम हैप्पी नाउ क्योंकि सर कर रहे हैं। सर कैसे शुरुआत हुई इसकी? कि बहुत कुछ आकलन था, बहुत कुछ मीडिया ट्रायल्स में भी हमने देखा है, कैसे आपने सोचा कि इस पर कुछ बनाते हैं? मेरे लिए तो जो कैरेक्टर है जिग्ना का, जिसको लेकर जो इंस्पिरेशन मिला है जागृति का कैरेक्टर बनाने में, तो वो मेरे लिए वो कैरेक्टर की जर्नी बहुत ज़्यादा खास थी, इंस्पायरिंग थी। मुझे वो कहानी को, क्यों, क्या होता है कि आप एक वो ढूंढते हो, एक पैग ढूंढते हो कहानी को कहने के लिए, जैसे आप करते हो, कहानी में एक पैग चाहिए, तो वो पैग मुझे जिग्ना के कैरेक्टर में मिला कि उस कैरेक्टर को, कि जो एक आम बम्बई की लड़की, उसके सपने और उन सपनों का टूटना सिस्टम के ज़रिए, वो ज़रूरी था दिखाने के लिए। तो बस किताब मैं मतलब शुक्रगुजार हूँ कि मुझे जिग्ना ने ये इस काम को लेकर मुझ पर भरोसा किया, और मैं भरोसा रखता हूँ कि जो देखेगा वो इस कहानी को अपना समझेगा। बिल्कुल ऐसी कहानी ही है करिश्मा, बहुत ही प्यारी है, हमेशा लगती हैं आप जब पर्दे पर नज़र आती हैं, जब स्क्रीन पर नज़र आती हैं, लेकिन इस बार पूरा बदल गया है, बहुत इंटेंस, बहुत सादगी है कैरेक्टर में, कैसे पॉसिबल हो पाया? एक्टिंग से एक्चुअली पॉसिबल हो पाया है बिकॉज दो लोगों की वजह से, क्योंकि हंसल सर फॉर श्योर और मुकेश छाबरा, जिन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिखाया, जो बिलीव कर पाए कि मैं ये रोल और ये जो कैरेक्टर है वो निभा पाऊँ। एंड मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि मुझे इतना पावरफुल रोल मिला है, एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट जो एक लिविंग कैरेक्टर है उसको दर्शाने का। सो एम वेरी हैप्पी, और मुझे लगता है कि ये जो एक ब्लेसिंग है वो मेरे झोले में आ गई है, एंड आई एम गोना मेक द मोस्ट ऑफ इट। साथ ही मैम से कुछ सपोर्ट मिला? कि मैम से जब हम इंटरेक्ट करते हैं वो गहराई कहीं ना कहीं नज़र आती है, पुराने इंटरेक्शन और जो सारी बातें हो, तो उनसे कुछ सपोर्ट मिला? क्योंकि मेंटली हमें उस लेवल तक पहुंचना होता है। जी एक्चुअली हमारी जो पूरी स्क्रिप्ट थी, मुझे पता था कि इट्स इंस्पायर्ड बाय हर बुक, पर जो स्क्रिप्ट थी उसमें जो मेरा कैरेक्टर लिखा था वो इतना अच्छी तरह से पूरे डिटेल में लिखा था कि सर ने मुझे वो लिबर्टी दी थी कि आप अपने आप वो कैरेक्टर बनाइए और अपने कलर्स वो एक प्लेन स्लेट में डालिए। सो वो कोशिश की मैंने, और जिग्ना मैम से तो मैं आई थिंक एंड ऑफ द शेड्यूल में मिली थी, जब मुझे पता चला कि वो सेट पर आ रहे हैं, हम सब बहुत खुश थे, हमको खाना खिलाया और इमोशनल बातें हुई, तो तब पता चला था। साथ ही जिग्ना मैम कि ये जर्नी जैसे भी रही है कि उसे याद करना एक बुरे सपने के बराबर है, जैसा कि पूरी जर्नी रही है, आपके लिए कितना मुश्किल था कि उस पर फिल्म बन रही है या फिर उस पर कुछ वर्कआउट हो रहा है, जो सारी बातें हैं, जो आपके खास किरदार रहे हैं, कि आपका बेटा, डैडी और जो भी लोग, कितना मुश्किल आपके लिए रहा इमोशनली? इमोशनली बहुत मुश्किल रहा, क्योंकि आप वो सब वापस रिविजिट कर रहे हो। सो यस, बहुत ही, मतलब अभी भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे थोड़े टाइम पहले, तो सब इंसिडेंट्स याद आते हैं, एंड इमोशनली इट इज़ अ वेरी ड्रेन, मतलब आदमी बहुत ड्रेन हो जाता है कि वो सब आपने फेस किया है और अब आप कहीं ना कहीं उसको देखने वाले हो बिग स्क्रीन पे। यस इट इज़ टफ। हंसल सर आपके ऊपर कि अब ज़्यादा ही उम्मीदें लगाई जाती है आपसे, जैसा कि जब से पहले से ही लगाई जाती रही, लेकिन स्कैम के बाद चीज़ें बदल गई हैं, तो इस बार किस तरह की उम्मीदें हैं, कि किस तरह के रिस्पॉन्स देख रहे हैं, किस तरह की उम्मीदें आप लोगों से देख रहे हैं? नहीं देखिए, उम्मीदें लोगों की जो है वो, मतलब मैं सोचता हूँ कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि लोग मुझ पर इतनी उम्मीदें रखते, और लेकिन मैं उस चीज़ को अपना
स्ट्रेंथ बनाता हूँ, उसको अपना वीकनेस नहीं बनाना चाहता हूँ कि उम्मीदों से उम्मीदों के बोझ तले इंसान दब सकता है। तो मैं उस बोझ को नहीं उठाता हूँ, मैं कहानी को ईमानदारी से अपनी सारी जो भी मैंने सीखा है इतने सालों में उसको मतलब पूरी लगन से सच्चाई से मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। और हर कहानी का की अपनी एक जर्नी होती है, हर कहानी की एक अपनी सच्चाई होती है। मैं सोचता हूँ कि वो सच्चाई लोगों तक पहुँचे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कहानी पहुँचे। देखिए, हम कहानीकार को एक ही चीज़ चाहिए कि कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग देखें, उसके बारे में बातें करें। ये सारी जो चीज़ें हैं, उम्मीदें, हेट, फ्लॉप, ये सब ना शब्द हैं, लेकिन हमारे लिए लोगों का देखना, लोगों का प्यार एक कलाकार के लिए और क्या है, और क्या चाहता है कलाकार। साथ ही हंसल सर, अगर बात की जाए इस कहानी की, तो सिर्फ जिग्ना मैम के किताब से सारी चीज़ें ली हुई है या फिर पुलिस की जो चार्जशीट रही है, उनके स्टेटमेंट रहे हैं या मीडिया ट्रायल रहा है, उन चीज़ों को भी इंक्लूड किया गया? नहीं, बहुत कुछ है, मतलब ये इंस्पायर्ड है। जैसे उनकी किताब पर बहुत सारी चीज़ें हमने आधारित की है, लेकिन हमने फिक्शनलाइज किया है बहुत सारी जो रिसर्च को लेकर हमने फिक्शनलाइज किया है, क्योंकि ड्रामा के लिए आपको कैरेक्टर्स को कंपोजिट करने पड़ते हैं कि चार कैरेक्टर को एक में आप कंपोजिट करते हो, कुछ नए कैरेक्टर्स आप बनाते हो, नई चीज़ें आप, कुछ इवेंट्स को आप अलग तरीके से दिखाते हो, तो वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है और वो हमने किया। इसलिए मैं इसको फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन इंस्पायर्ड बाय द बुक रिटन बाय जिग्ना वोरा, ये हमेशा कहता हूँ मैं। साथ ही करिश्मा, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मानती हैं इसे, क्योंकि यू नो कि बड़े बड़े काम, और जैसा कि मैंने पहले जिक्र भी किया, तो कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे सर ने कैसे अप्रोच किया था, या आप ऑडिशन दिया, क्या था, पहले से जानती थी? हाँ, मतलब जैसे होता है एक एक्टर के लिए, आप पहले ऑडिशन देते हो, फिर सिलेक्ट शॉर्ट लिस्ट होते हो, और जब शॉर्ट लिस्ट होते हो तब आपको पता चलता है कि आपको ये किरदार मिला है कि नहीं मिला है। तो मेरे केस में मुझे ये शो मिल गया था, और सर ने मुझे बताया जब हम शूट कर रहे थे कि बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने ऑडिशन दिया था, और मुझ में उनको वो हंगर जो रियल लाइफ है एक्चुअली, यू नो, जब सर ने बोला तो मैंने ऐसे डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश की कि हाँ, हो सकता है कि मैंने वो, मुझे वो एक हंगर था, एक वो प्लेटफॉर्म चाहिए था टू यू नो शोकेस माय एक्टिंग एबिलिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़। तो इसलिए मैंने अपनी पूरी जी जान लगा दी ऑडिशन में, एंड वैसे मुझे ये रोल मिल गया। तो कैरेक्टर ज़्यादा इंटेंस था सर, वैसे भी इंटेंस थे या कुछ अलग था, क्योंकि सर का अलग ही एक अवतार होता है जब सेट पर होते हैं या बिहाइंड द सीन होते हैं। जो हमारा स्टोरी है, जो हमारी स्टोरी है और जो सर की पर्सनालिटी है, वो दोनों ऑपोजिट है। हमारी जो स्टोरी है बहुत इंटेंस है, और सर रियल लाइफ में एकदम ही जोवियल है, फुल ऑफ ह्यूमर है। मतलब हम जब सर के सामने रहते हैं तो बस बत्ती सी दिखाते रहते हैं हम लोग हमेशा, क्योंकि इतने फनी है और इतना मजा करते हैं हम लोग सेट पे, दैट इट डजंट फील लाइक दैट वी आर शूटिंग, बट जैसे सीन में जाते हैं तभी एवरीथिंग इज वेरी इंटेंस। मैं कैसा हूँ? मैं ऐसा ही हूँ। करिश्मा कैसी है? हाँ, करिश्मा अच्छी है, मतलब मुझे वो इतनी टॉल है, इतनी लंबी है, फिर भी हील्स पहनती है। तो आज इस इंटरव्यू के लिए मैंने हील्स उतरवाए और उसको कहा कि ऐसे दीवार के अगेंस्ट खड़े रहो ताकि मैं आज सो लंबा लगूँ थोड़ा सा। साथ ही जिग्ना मैम, यू नो कि अब जल्द ही शो देख पाएंगे हम नेटफ्लिक्स पर, यू नो कि बहुत साथ छूट गए हैं आपके, कुछ रिस्पांस आया अपने करीबियों से, कुछ लोगों से जो उन्होंने वेलविशेस भेजे हो आपके लिए या एक्साइटेड हो? शो का यहाँ जब से ट्रेलर आया है तब से मेरा फ़ोन चलने लगा है, ऐसा मुझे लगता है। जो लास्ट 12 साल हो गए इंसिडेंट से, मेरा कुछ कनेक्ट नहीं है मीडिया से, कुछ भी नहीं है, आई एम नॉट वर्किंग एनीवेयर, सो आई एम जॉबलेस। बट जब से ये ट्रेलर आया है तब से फ़ोन जो रिपोर्टिंग डेज में चालू रहता था वैसा चालू हो गया है, ऐसा लग रहा है मुझे कि इट इज़ नॉट स्टॉपिंग। नाउ आई हैव टू सी टू इट हुम आई एम टॉकिंग एंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो अगर बात की जाए आगे कहाँ देख पाएंगे, यू नो कि किताब के बारे में आपके पता था और उसके लॉन्च पर भी हम पहुँचे थे तो टाइटल वेव में, अब कहाँ देख पाएंगे, क्या कुछ करने वाली हैं, क्या सोच रही हैं, आगे की जर्नी कैसे होगी आपकी? है कुछ चीज़ें विच इज़ इन पाइपलाइन, आई हैव साइन 3 स्क्रिप्ट्स, तो देखते हैं आगे कहाँ जर्नी किधर ले जाती है। लेट्स सी।
ग्रेट उम्मीद है सर, फाइनली क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोग, यू नो कि हंसल मेहता की फिल्म है तो लोग जाएंगे देखने के लिए, यू नो टैप करके देखेंगे, मतलब सीरीज 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 टैप करके देखेंगे, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए? मैसेज मेरा यही है कि जून 2 को नेटफ्लिक्स पर स्कूप सीजन 1 स्ट्रीम कर रहा है और आप इसे देखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये कहानी आज की हमारी कहानी है, हमारे देश की कहानी है, हमारे वक्त की कहानी है, और ये ज़रूरी कहानी है और ये एंगेजिंग एंटरटेनिंग कहानी है। प्लीज वॉच इट नेटफ्लिक्स पर 2 जून, वी ऑल नीड योर ब्लेसिंग्स, थैंक यू। थैंक यू सो मच, उम्मीद करते हैं जैसा कि आप लोगों की जो करिश्मा ही दिखाई देता है हमेशा स्क्रीन्स पर, वो इस बार भी दिखाई दे। थैंक यू सो मच, हमसे बात करते हैं। कैमरा मैन सिद्धेश के साथ मैं उमेश शुक्ला, आज तक मुंबई।